वरदान होम्स वन बीएचके अपार्टमेंट जिसमें है वन बेडरूम हॉल किचन और बालकनी। आजीवन होम्स टू बीएचके अपार्टमेंट जिसमें है टू बेडरूम हॉल किचन स्टोर और बालकनी। बसेगा होम्स जिसमें है टू बेडरूम हॉल किचन स्टडी और बालकनी। और मन्नत होम्स जिसमें है थ्री बेडरूम्स हॉल किचन स्टोर और बालकनी। साथ ही इसमें लिफ्ट और गार्डन जैसी अनेक सुविधाएं भी उपलब्ध हैं। इस प्रोजेक्ट में 150 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश से 680 आवासों का निर्माण होगा जिससे लोगों को 1.5 लाख दिनों का रोजगार प्रदान होगा। ये प्रोजेक्ट 30 महीने के अंदर पूरा किया जाएगा जो अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। परियोजना निर्माण के दौरान निर्माण कार्य कर्तव्यक निर्माण कर पोजिशन दे चुके हैं और अब झारखंड राज्य में माननीय मुख्यमंत्री श्री रघुवर दास के सहयोग से झारखंड की उन्नति में अपना योगदान दे रहे हैं। झारखंड का हो रहा विकास, अपने घर की अपनी बात। आप लोग सब आए, अपना कीमती समय निकाल के इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एसबीआई के मिस्टर राजेश कुमार वर्मा और मिस्टर मनीष सिंह जो कैनरा बैंक से है उनका भी मैं स्वागत करती हूँ। वो आज आप लोगों को होम लोन के बारे में बताएंगे प्रधानमंत्री आवास योजना में। वेलकम एवरीवन। आप सब आई थिंक मुझे पहचानते ही हैं, साथियों से मैं पर्सनली बात भी कर चुकी हूँ, तो सबसे पहले तो थैंक यू बोलना चाहूंगी आप लोग अपना टाइम निकाल कर आए इस प्रेजेंटेशन के लिए। और ये भी इसका आज मेन पर्पस यही है कि आप लोगों को होम लोन के बारे में समझाया जाए, क्योंकि अब वो टाइम आ चुका है जब हम अलॉटमेंट प्रोसेस शुरू करेंगे वन बेडरूम और टू बेडरूम का, जिनका बुकिंग हम लोग जनवरी से ले रहे हैं। हम लोगों का लोन ऑलमोस्ट सभी बैंकों में प्रोसेस हो चुका है और नेक्स्ट वीक से वन बेडरूम वालों का हम लोग अलॉटमेंट प्रोसेस शुरू कर रहे हैं। जैसे कि आपको बताया गया था, फर्स्ट 250 कस्टमर्स को गारंटीड अलॉटमेंट मिल रहा है, मतलब उनको फ्लोर चॉइस, उनका टावर चॉइस, यूनिट चॉइस तीनों उनको मिलेगा। तो होम लोन के बारे में एक्सपर्ट बताएंगे, मैं आपको पीएमएमआई के बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन देना चाहूंगी। तो प्रधानमंत्री आवास योजना माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का सपना है कि 2022 तक सबके पास अपना एक घर होना चाहिए। उसी के लिए उन्होंने क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम लॉन्च की है, जो आपकी इनकम के बेसिस पर, अगर ये आपका पहला घर होगा तो सरकार आपको सब्सिडी देगी आपके बैंक लोन के ऊपर। तो चार कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया है, EWS, LIG, MIG1, MIG2, यानी कि सालाना इनकम 3 लाख, 6 लाख, 12 लाख और 18 लाख तक। उसके ऊपर डिपेंडेंट आपको 267, 235 या 230 तक सब्सिडी मिल सकती है। उसके अलावा कंपनी की तरफ से आपको कोई GST चार्ज नहीं हो रहा है, 12% GST कंपनी की तरफ से आपको छूट दे रही है। झारखंड सरकार की तरफ से आपको 7% स्टैम्प ड्यूटी की छूट मिल रही है। और तो और आप ही की यूनिट प्राइस के अंदर ऑल इंक्लूसिव, यानी कि कार पार्किंग, 5 ईयर मेंटेनेंस, वाटर का कनेक्शन, बिजली का मीटर का कनेक्शन और कोई ओवरहेड चार्जेस नहीं है इसके ऊपर। तो करीब करीब वन बेडरूम हाउस में 6 लाख, 2-2.5 में 7-10 लाख और 3 बेडरूम में 12 लाख तक की बचत होगी इस स्कीम के अंदर। अब प्रधानमंत्री आवास योजना किसके लिए अवेलेबल है, मतलब बेनिफिशियरी कौन होगा, तो उसमें आपकी पूरी फैमिली काउंट होती है, यानी कि आप, आपकी वाइफ और अनमैरिड चिल्ड्रेन, अविवाहित बच्चे टुगेदर क्वालिफाई करेंगे बेनिफिशियरी के नाम पे। तो उन सबके नाम पे कोई घर नहीं होना चाहिए पूरे भारत में। पहले तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है अगर आपको सब्सिडी चाहिए तो। उसके अलावा होम लोन की एलिजिबिलिटी कैसे असेस होगी, आपको कोई गारंटी देने की जरूरत नहीं है,
सिर्फ और सिर्फ आपके इनकम के ऊपर आपको होम लोन मिल सकता है। यानी कि अगर आपका मंथली इनकम 3 लाख तक है तो आपका ईएमआई के हिसाब से आप 1 बेडरूम के लिए क्वालिफाई करते हैं। अगर आपका एनुअल इनकम 6 लाख तक है तो आप 2 बेडरूम के लिए क्वालिफाई करते हैं। आपका एनुअल इनकम 12 लाख तक है तो 3 बेडरूम तक आप क्वालिफाई कर जाओगे सोलली बेस्ड ऑन योर प्रीवियस 3 इयर्स ऑफ इनकम। आपको आईडिया अपना फाइल करना होगा होम लोन के लिए। इस लोन अमाउंट पे कोई लिमिट नहीं है, आपको अपना मार्जिन मनी डालना है, 95% तक आपका होम लोन हो जाएगा। आपको कोई एडिशनल डॉक्यूमेंट देने की जरूरत नहीं है और क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम आप हर बैंक में है। आप किसी भी बैंक से जिसका हमारा प्रोजेक्ट अप्रूवल है आप लोन करा सकते हैं। SBI की तरफ से आए हुए हैं तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगी कि ज्यादा से ज्यादा लोन SBI से ही हो क्योंकि उनका लोएस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8.35% और इसका मैक्सिमम टेन्योर है 20 इयर्स। मतलब ये फ्लेक्सिबल लोन होते हैं, 20 इयर्स तक आप इसको खींच सकते हैं मैक्सिमम, उससे ज्यादा आप नहीं ले जा पाओगे। अब मैं बुलाना चाहूंगी हमारे एस्टीम्ड गेस्ट ऑफ ऑनर को, प्लीज स्टेज पर आए और होम लोन प्रोसेस के बारे में थोड़ा सा समझाएं कि SBI में होम लोन के ऊपर क्या डॉक्यूमेंटेशन चाहिए। और ये ओपन एंडेड होगा, आप इसमें आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैं चाहती हूँ कि काफी इंटरैक्टिव सेशन हो, मैक्सिमम डाउट आप अपने आज क्लियर कर सकते हैं होम लोन रिलेटेड। तो सर प्लीज सर स्टेज पर आएंगे। थैंक यू। मेरा नाम राजेश हुआ, राजेश कुमार वर्मा, हम स्टेट बैंक RMCC ब्रांच। सॉरी हम अब आप लोगों को ज्यादा समय नहीं दे पाएंगे। एक्चुअली हमारा मेरा बेटा एडमिट है क्योंकि पहले से हम कमिट कर चुके थे, इसलिए 10 मिनट के भी हमको ज्यादा आपको तो हम समय नहीं दे पाएंगे। हाँ, ये जो प्रोजेक्ट चल रहा है इसको हम लोगों ने स्टेट बैंक से भी प्रोजेक्ट अप्रूवल के लिए प्रोसेस के लिए लगाया है। अगर ये हो जाता है तो बहुत बढ़िया है और हम कहेंगे, प्रयास करेंगे कि आप लोग इसमें जुड़े, प्रोजेक्ट अच्छा है और स्टेट बैंक से लोन लें क्योंकि लोएस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको स्टेट बैंक से ही मिलेगा। और जनरली इसमें हाउसिंग लोन में प्रोसेस में आपका अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, आप सैलरीड पर्सन हैं तो फॉर्म 16 या ITR चाहिए, पैन आधार तो सब लोगों का चाहिए, पैन आधार फॉर्म 16, या अगर अदर देन सैलरीड पर्सन है तो 3 साल का ITR रिटर्न विद कंप्यूटेशन ऑफ इनकम आपको देना होगा। तो ये सब देंगे प्रोसेस हो जाएगा। और मेरा नंबर है, काइंडली आप लोग नोट कर लें, अगर कोई और क्वेरी होगा तो आप लोग फोन पर भी हमसे बात कर सकते हैं, 9771450538, 9771450538। सॉरी हम ज्यादा आप लोगों का समय हम नहीं दे पाएंगे, सॉरी क्योंकि रानी चिल्ड्रन मेरे क्वेश्चन पूछ लेती हूँ, शायद आपके मैक्सिमम डाउट क्लियर हो जाएंगे। सर एक प्री ईएमआई और ईएमआई का कॉन्सेप्ट क्लियर कर दीजिए लोगों के लिए। प्री ईएमआई और ईएमआई का कॉन्सेप्ट, ईएमआई ये है कि मान लीजिए आपका हाउसिंग लोन हुआ तो उसमें मोरेटोरियम पीरियड आता है, ठीक है, उस मोरेटोरियम पीरियड में आप अगर देना चाहें तो वो इंटरेस्ट सॉल्व होगा आपका, वो सर होता रहेंगे। और ईएमआई आफ्टर एक जो मोरेटोरियम पीरियड खत्म होने के बाद जो आपका ईएमआई डिसाइड होगा वो उसको इक्वली मंथली इंस्टॉलमेंट करते हैं। ये बात सिंपल रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, नो कंपाउंड। और सब्सिडी कब क्रेडिट होगी इनके अकाउंट में? तो सब्सिडी का हमारा नया आया है वो हमारा एक्सेल है, ईएमआई रिगार्डिंग वही बता पाएंगे, हम लोग इसमें नहीं बता पाएंगे। ज्यादातर लोग लोन खत्म होने के बाद आपका जब पूरा
बैंक से कंपनी को पूरा पैसा आ जाता है, तब सब्सिडी क्रेडिट होता है। अब प्रोसेस तो वही है, गवर्नमेंट की प्रोसेस गवर्नमेंट करता है, तो और फाइल आप लोग मूव करेंगे पीएमएवाई ऑफिस में? हम लोग नहीं करेंगे, आरएसपीसी करता है हमारा सेल, मतलब एसबीआई बैंक ही करेगा। इसमें डिटेल आपको आरएसपीसी ही बता सकते हैं पीएमआई के लिए। ठीक है, और कोई मेजर क्वेश्चंस अगर आप लोगों के हो तो किसी के? अगर एनुअल इनकम 3 लाख से कम हो तो सिंगल बेडरूम के लिए क्वालिफाई उसका लोन के लिए होगा, लेकिन अगर जिसका एनुअल इनकम 3 लाख से कम है लेकिन रजिस्ट्रेशन डबल बेडरूम के लिए है उसका क्या होगा? बैंक रिलेटेड नहीं हुआ, इसका आंसर मैं आपको बाद में दे दूंगी। बैंक रिलेटेड किसी के क्वेश्चन है, क्योंकि सर का इमरजेंसी है इसलिए मैं उनको फ्री करना चाहूंगी। कोई बैंक रिलेटेड क्वेरीज है आप लोगों की तो प्लीज क्लियर कर लेते हैं। यार पी एम आई के बदले अगर डायरेक्ट कोई ई एम आई ही देना चाहे तो दे सकता है क्या? सर मेरा क्वेश्चन है, क्योंकि हम लोग प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं, मैक्सिमम टाटा स्टील वेस्ट बोकारो से मोर देन 15 फ्लैट बुक हुआ है, तो हम लोगों का तो पहला ही मैडम से बात हुआ था कि हम लोग एसबीआई से ही मिलते हैं। सेकेंड थिंग हम लोग को पूछना है, जो लोन आप सेंक्शन कीजिएगा तो क्या यह जो बिल्डर है रेरा से रजिस्टर्ड है नहीं है, इस तरह का क्वेश्चन हम लोग के दिमाग में आता है, तो ये तो इस क्वेश्चन के जवाब तो मैडम ने दी। प्रोजेक्ट अप्रूवल एसबीआई तब तक नहीं करेगा जब तक रेरा में रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, बिल्कुल। तो ये तभी थप्पा लगाएंगे आपके लोन के ऊपर जब हमारा रेरा नंबर उस फाइल पे लिखा होगा। बिल्कुल बिल्कुल सर बिल्कुल। और कोई अर्जेंट क्वेश्चन नहीं तो बाकी फिक्की प्लान जो है वो मैं एक्सप्लेन कर देता। कोई होम लोन रिलेटेड कोई गारंटी नहीं लगेगी, आपका 3 साल का आईटीआर का फॉर्म चाहिए होगा, आपका पे स्लिप चाहिए होगा, पुराना कोई लोन लिया होगा तो उसकी डिटेल्स चाहिए होगी, दैट्स इट। कोई आपकी गारंटी नहीं चाहिए होम लोन के लिए। मैडम मिनिमम लोन जो है 6 लाख बताया गया है, वो 6 लाख जो केवल 6 लाख लेने से ही काम चलेगा या उसको जो है कि और बढ़ा कर लेना होगा? पीएमएवाई की सब्सिडी अगर आप लेना चाहते हैं तो मिनिमम आपको 6 लाख का लोन लेना होगा बैंक से। 6 लाख से ज्यादा भी ले सकते हैं, लेकिन सब्सिडी अगर लेना है तो 6 लाख तक का आपको लोन लेना पड़ेगा। और कोई क्वेश्चन? ठीक है सर, थैंक यू सो मच, आप अपना इतना टाइम निकाल के इतनी इमरजेंसी में भी, थैंक यू। अब मैं हमारे सेकंड स्कीम गेस्ट कैनरा बैंक के लॉयर हैं, जहाँ पे हमारा फाइल ऑलमोस्ट पास हो चुका है, मैं उनको बुलाना चाहूंगी, वो थोड़ा कैनरा बैंक का प्रोसेस समझा देंगे। सर प्लीज सर स्टेज पे आइए। और हमारे अकाउंट डिपार्टमेंट में मिस्टर ज्योति सिन्हा जी हैं, जो आपकी सारी फाइल प्रोसेस करेंगे एक्चुअली होम लोन के लिए, मैं उनको भी स्टेज पे बुलाना चाहूंगी। थैंक यू सो मच। हेलो फ्रेंड, मैं एडवोकेट हूँ, मेरा नाम कुमार मणि श्रीवास्तव है। मैं आप लोगों का जो प्रोजेक्ट लोन होने जा रहा है या होगा उसके लिए मैंने केनरा बैंक में और एसबीआई में अभी जिनके साथ बात कर रहे थे वहाँ पे मैंने यहाँ की फाइल को मूव कराया है और एक्सपेक्टेड हम लोगों का प्रोजेक्ट अप्रूव हो जाए उसके बाद आप लोग उन दोनों बैंकों से अपने अपने लोन के लिए अप्रोच कर सकते हैं। और जब आप अपने लोन के लिए अप्रोच करेंगे तो गवर्नमेंट ने पीएमएवाई के तहत बहुत सारे फैसिलिटीज कस्टमर्स को प्रोवाइड कराए हैं,
जो कि आपको एग्जैक्टली वही बैंक से ही पता चलेगा जब आप लोन के लिए अप्रूवल का बात अप्रोच करेंगे। ठीक है, बुकिंग का प्रोसेस जो है वो मैडम ने आप लोगों को बताया कि आपको एसोटेक में किस किस तरह के फ्लैट बन रहे हैं और उसकी बुकिंग के क्या प्रोविजंस हैं, आपको क्या मिनिमम क्राइटेरिया को फुलफिल करना पड़ेगा। आप अगर इस मिनिमम क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं और जो भी बैंक इस प्रोजेक्ट को अप्रूव करती है कि हाँ हम इस प्रोजेक्ट में जो भी कस्टमर फ्लैट लेंगे उनको हम लोन देंगे, उनका अपना अपना एक नियम होता है, एक रूल्स होता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट भी मोस्ट प्रोबेबली 0.25 से लेके 0.15 तक वेरी करता है इन डिफरेंट बैंक। सो नाउ यू आर फ्री कि आप किस बैंक से कंफर्टेबल हैं। अब आपका सोशल स्टेटस और इकोनॉमिक स्टेटस डिपेंड करेगा कि आपको क्या फैसिलिटीज बैंक प्रोवाइड करा रही है। आपको अपने अप्रोच से जानना होगा वहां पे कि आपको इंडिविजुअल कैपेसिटी में क्या बेनिफिट्स मिलेंगे। अकॉर्डिंगली PMAY के तहत जो गवर्नमेंट ने फैसिलिटी प्रोवाइड कराई है, सब्सिडी, रेट ऑफ इंटरेस्ट, कितना आपको चार्जेस लगेंगे, कितना मिनिमम आपका इनकम होना चाहिए पर एनम, वो सारी बातें PMAY में निर्धारित हैं। उससे कहीं कोई डेविएशन कोई बैंक भी नहीं कर सकती है, ना ही इस प्रोजेक्ट के एम्प्लॉयज या प्रोजेक्ट के ऑनर्स कर सकते हैं। तो बहुत सारी बातें पहले से ही प्री डिसाइडेड हैं। अब आपका इकोनॉमिक स्टेटस और आपने कोई भी अपना प्रॉपर्टी रखा है अपने नाम से प्रीवियसली कि नहीं, ये भी डिसाइड करेगा कि आपको लोन मिलेगा या इसमें बुकिंग मिलेगी कि नहीं मिलेगी। ठीक है, इस तरह की बातों के लिए आपको और डिटेल्स में जाने के लिए जहां से भी अप्रूवल होगा, जैसे केनरा बैंक से, स्टेट बैंक से या अदर्स जो भी ये प्रोजेक्ट अप्रूवल के लिए अप्रोच करेंगे, वहां से आप लोन के लिए मूव कर सकते हैं। अब अगर आपको इससे रिलेटेड किसी तरह का कोई और जानकारी मेरे से चाहिए तो आप जान सकते हैं, पूछ सकते हैं। सो मच सर, आपने कैनरा बैंक का भी प्रोसेस समझाया है और होपफुली कैनरा बैंक से अप्रूवल आते ही हम लोग हमारे मैक्सिमम कस्टमर्स कैनरा बैंक को भी करेंगे। डेफिनेटली SBI कैनरा बैंक का रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑलमोस्ट सेम है, उसमें कोई ज्यादा डेविएशन नहीं है। दोनों बहुत ही ट्रस्टेड बैंक है, बहुत ही उनका ईज ऑफ वर्किंग है कस्टमर्स के लिए लेकर, तो बहुत ही टेक्नोलॉजिकली एडवांस बैंक है। आप अपना EMI का टेन्योर भी उनके साथ डिस्कस कर सकते हो, वो आपको आपका EMI का प्रोसेस भी समझा देंगे जिस टाइम आपका अलॉटमेंट प्रोसेस होगा। तो कोई डाउट नहीं है कि आप लोगों का मार्जिन मनी का जो मैटर है वो भी बैंक ही बताएंगे आपको। एग्जैक्टली ये मैडम मोटा मोटी आपको बता सकती हैं कि कितना मार्जिन मनी चाहिए बैंक को लोन अप्रूवल के लिए, आपको लोन देने के लिए। ठीक है, अभी हर बैंक का ऐसा नहीं है कि मार्जिन मनी का कॉन्सेप्ट डिफरेंट है, लेकिन आपके इकोनॉमिक स्टेटस पे मार्जिन मनी भी कुछ डिपेंड करता है। आपका ITR कितना शो कर रहा है, आपने अभी तक आपका सिविल क्या शो कर रहा है, उसके आधार पे आपको लोन होगा और क्या मार्जिन मनी होगी वो दैट विल बी डिसाइडेड बाय द बैंक। ओके, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। एक क्वेश्चन, आपने कहा बैंक से लोन का अप्रूवल या सैंक्शन वो डिपेंड करेगा इकोनॉमिक स्टेटस और सोशल स्टेटस। एग्जैक्टली इकोनॉमिक स्टेटस तो क्लियर है, डॉक्यूमेंट पर निर्भर करता है। सोशल स्टेटस से मेरा मतलब ये था कि अगर आप रिनाउंड क्रिमिनल हैं और बैंक में आप जाते हैं कि हमको लोन दे दीजिए तो बैंक आपको लोन नहीं देगी। अगर आपका सिविल खराब है, आपने पहले से लोन लेके चुकाया नहीं है तो आपको बैंक लोन नहीं देगी। दैट मीन्स सोशल स्टेटस। बोलिए,
ये लोन किसके नाम पे होगा, ये यहाँ पे रजिस्ट्रेशन तो हम लोग का मतलब हमारी मिसेज नहीं, जिनके नाम पे आपने लोन अप्लाई किया है उन्हीं को मिलेगा लोन नेचुरली। अगर आपने फ्लैट की बुकिंग अपनी मिसेज के नाम पे आजकल लोग इसलिए कराते हैं फर्स्ट थिंग कि वो उनको रजिस्ट्रेशन कॉस्ट नहीं देना पड़े, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट ही नहीं है, यहाँ पे आपको गवर्नमेंट तरफ से वो छूट मिली हुई है। जो 4% का स्टाम्प कॉस्ट और 3% का रजिस्ट्रेशन कॉस्ट लगता है रजिस्ट्रेशन में किसी भी फ्लैट के या जमीन के, और साथ में आजकल 12% GST लगता है, ठीक है, वो इंक्लूडिंग होता है। ये इस प्रोजेक्ट में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है, चाहे आपके मैडम के नाम से हो या आपके नाम से हो। अब शर्त यह है कि लोन आपको लेना है और आप ही हैं कमाने वाले घर में और आपके नाम से ही ITR है, तो डेफिनेटली लोन आपको मिलेगा ना कि आपके मैडम को, ठीक है। बोलिए सर। वो एप्लीकेंट हो सकते हैं वो, लेकिन लोन आप ही को मिलेगा। मैडम आपकी कोई एप्लीकेंट हो सकती हैं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ तो बिल्कुल तब मिलेगा, अगर वो जितनी इनकम आपकी है और मैडम की भी इनकम उतनी है तो फिर क्वेश्चन ही नहीं बनता है। हाउस वाइफ है तो को एप्लीकेंट हो सकती है, इसलिए कि वो तो देखिए होता क्या है कि आपकी मैडम या आपकी फैमिली या वैसे हर एक आदमी डिपेंडेंट होता है जो ना कमाता हो और कमाने वाले पे। अगर आपकी मैडम या कोई भी ऐसा फैमिली मेंबर जिसका अर्निंग है अबव 3 लाख पर एनम वो इंटाइटल्ड है, या वो नहीं है और आप उनके नाम से चाहते हैं, तो वो आप उनको को एप्लीकेंट बना के और अपना सारा डिटेल्स आप दे के लोन ले सकते हैं। इसमें सर एक क्वेश्चन है, बोला जाए अगर को एप्लीकेंट हम हुए और जो भी इंटरेस्ट हुआ हम जमा करते हैं, क्या उसका छूट हमको इनकम टैक्स में रिबेट मिलेगा या नहीं मिलेगा? अब ये तो रेरा में डिसाइड करेगा और बैंकिंग नॉर्म डिसाइड करेगी कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा। हेलो, अगर हम इम्प्लॉय हैं और वाइफ के नाम से फ्लैट बुक करा रहे हैं, क्योंकि स्टाम्प ड्यूटी का 7% कॉस्ट कम पड़ेगा, बट उसका एडवांटेज हमारे जो एनुअल इनकम जो होता है कि या जो हम लोग फर्म से फी मिलता है, तो उसमें उसका छूट जो मिलता है हाउस बिल्डिंग लोन पर, उसका लाभ हमको मिलेगा कि नहीं मिलेगा? यह जानकारी हमको बिल्कुल मिलेगा, क्योंकि आप लोन जिसके नाम पे होगा इनकम टैक्स छूट उसको उसी को मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। आपने अगर लोन लिया है तो आप EMI भर रहे हैं तो आपको इनकम टैक्स का छूट 100% मिलेगा। आपकी वाइफ सिर्फ को एप्लीकेंट है, लोन आपने ही लिया है, लोन आपको ही मिला है, इसलिए आपको इनकम टैक्स का बेनिफिट मिला है। और वो अपने माँ के नाम से लोन लेना चाहता है और मदर का नाम अगर लेना चाहता है, हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन बैंक आपको अबव 55 इयर्स लोन नहीं देगी। बच्चों को नहीं, नहीं आपने कहा कि मदर के नाम से लेना चाहता है तो मदर का एज तो 50-55 से ऊपर ही होगा ना। हाँ जी, एक एक्सपेक्टेड, तो उस कंडीशन में वो, क्योंकि होता क्या है इंडिया में लाइफ का एक एक्सपेक्टेंसी रेट होता है, हर देश में होता है, तो यहाँ का जो है वो लेडीज का थोड़ा कम है और जेंट्स का थोड़ा ज्यादा है, वो भी एक कॉन्सेप्ट काम करता है, ठीक है। प्लस अर्निंग काम करती है, आज आप अपनी मदर के नाम से लोन लेते हैं 20 साल चलाना है आपको, और आज आपकी मदर की एज मान लीजिए कि 50 इयर्स है, तो कोई गारंटी आज के में या कभी भी या किसी फ्रंट पे आप किसी के लाइफ का गारंटी नहीं दे सकते हैं कि कौन कब है कब नहीं है, तो एक एजुम्पशन मान के चला जाता है। और हर फिनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन चाहे वो बैंक हो या कोई भी हो अपना एक मिनिमम पैरामीटर्स बना के चलता है। थैंक यू।
आप कब से पेंशन होल्डर हैं सर? कितने टाइम हो गए आपको रिटायर किए हुए? सर थोड़ा मुश्किल है। आपको कैसे लोन मिलेगा? कैसे लोन मिलेगा? आपको एप्लीकेंट बनाइए आपने किसी को, और या मेरा लड़का है। हाँ तो लड़के के नाम पे लीजिए आप। एम्प्लॉयड नहीं है तो आपको उसको कुछ तो दिखाना पड़ेगा। देखिए आपका कोई सोर्स तो दिखाना ही पड़ेगा कि आप रीपेमेंट कैसे करेंगे लोन का। रीपेमेंट सबसे बड़ा क्वेश्चन है कोई भी लोन देने के बाद। बैंक लोन तभी देती है जब उसको पता रहे या एक मिनिमम एश्योरेंस मिले कि मेरा दिया हुआ पैसा हमको रिटर्न मिल जाएगा विथ इंटरेस्ट। तो उस हमको ये बताइए कि हमारे केस में जो हम पेंशन होल्डर है 68 इयर्स मेरा एज। नहीं आपको तो नहीं मिलेगा। मेरे ख्याल से पत्नी के नाम से हम किए हुए हैं। लड़का मेरा बीकॉम फाइनल ईयर में है। आपको दिखाना पड़ेगा उनके नाम से कि कैसे आप उनका रीपेमेंट करेंगे। वो बैंक का इंटरनल प्रोसेस है बहुत ज्यादा, मैं अभी बता के आपको नहीं बता पाऊंगा, लेकिन ऐसा उम्मीद है कि आपको आपके नाम पे तो लोन नहीं मिल पाएगा। मेरे नाम पर तो नहीं मिलेगा लेकिन बिल्कुल हम लेने के लिए तो आपके लड़के के नाम पे मिलेगा। और लड़का और अर्निंग मेंबर है नहीं तो कैसे मिलेगा उनको? हम उसको आप अभी 68 इयर्स के हैं, आप कितना दिन तक उनको सपोर्ट करेंगे? ये दिस इज बिग क्वेश्चन। आप बिग क्वेश्चन का आंसर चाह रहे हैं हमसे कि हम 70 साल के हो गए हैं, लड़का अनएम्प्लॉयड है, लोन हमको चाहिए। ऐसे बैंक को एश्योरेंस चाहिए होता है, बैंक को कुछ नहीं चाहिए। बैंक को सिर्फ ये एश्योरेंस चाहिए कि हम जिसको पैसा दे रहे हैं वो मेरा पैसा रिटर्न होके मिल जाएगा। बस उसको आप एश्योरिटी दे दीजिए विथ पेपर नॉट पर्पस। बैंक लोन दे देगी उसके नाम से अगर कुछ एफडी रहे तो उसके हाँ वो लिक्विड मनी देखा जा सकता है कि कितना का आप लिक्विड कैश उसको देते हैं। एफडी के मोड में बैंक में कितना रखते हैं आप वो डिसाइड करेगा डेफिनेटली। वो एक एस्पेक्ट है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। इंडिविजुअल केसेस में बैंक को कुछ डिस्क्रिशनरी पावर होता है वो डिसाइड करता है। उसमें बहुत आपको घबराने की जरूरत नहीं है अभी से, ठीक है? कुछ ना कुछ वे आउट निकलेगा उसका। अगर इफ यू आर कैपेबल कि आप पैसा दे सकते हैं तो उसका कुछ ना कुछ वे आउट होता है, ठीक है? हेलो हाँ बोला जाए। जैसा आपने बोला 3 साल का आईटीआर चाहिए, 3 साल का आईटीआर में प्रीवियस 2 ईयर का आईटीआर में 2.5 लाख इनकम है और अब 3 लाख इनकम है तो वह हो सकता है क्या? नहीं 3 लाख मिनिमम 3 लाख मिनिमम चाहिए, 2.5 लाख से नहीं होता है। लास्ट 3 इयर्स का आपका मिनिमम इनकम 3 लाख चाहिए। प्रीवियस 2 ईयर का 2.5 लाख के करीब है और अभी करेंट में 3 लाख। कितना कौन सा फ्लैट आपने बुक किया है? 2 बीएचके नहीं हो पाएगा। तो अभी टाइम है, अभी 1 साल और है आपके पास, 2 साल मिनिमम आईटीआर तो फाइल करेंगे ही। 3 लाख आप 3 लाख किया है तो आपने 3 लाख से ऊपर भी तो करेंगे नेचुरली, तो 1 साल का कम होगा और बाकी आने वाले 2 सालों का 3 लाख 4 लाख 5 लाख तक हो जाएगा। मे बी बैंक कुड कंसीडर, मे बी दैट विल बी डिसाइड दैट टाइम। वी आर नॉट हाँ एनी क्वेश्चन पीछे पीछे बोला जाए। मेरा क्वेश्चन था 6 लाख लोन लेने के लिए कितना एफडी का जरूरत है? जो 10 लाख एफडी पर एक बात वही हो गई अभी। आप जो पूछना चाह रहे हैं मैं समझ रहा हूँ आप क्या पूछना है कि मार्जिन मनी क्या होगी। मार्जिन मनी कभी भी मिनिमम 20-25% ही होती है। आप जो क्वेश्चन चाह रहे थे वो उसका मैंने जवाब आपको दिया है। एक लड़का बुक किया है, बहुत अच्छी बात है। तो उसके पापा इम्प्लाई है, वो खुद इम्प्लाई नहीं है, वाइफ के नाम से किया है। उसके पापा चाह रहे उसके नाम से एफडी कर दे 10 लाख का, जितना हाँ हाँ एकदम 10 लाख के करने से हो जाएगा। ये बता 10 लाख का करवा लीजिए उसमें हो जाएगा। हाँ हो जाएगा एकदम मिल जाएगा। 80% 70% मान के चलिए आप ना, 70% भी 10 लाख दे रहे हैं तो 7 लाख तो वैसे ही मिल गया। 6 लाख मिनिमम क्राइटेरिया है आपको सब्सिडी भी लेने के लिए, तो आपका प्रपोजल सॉल्व हो गया, आपका प्रपोजल तो सॉल्व हो गया ना जी। सब्सिडी है सर, फिर से अपफ्रंट सब्सिडी का जो बात है हमारा ना जी, वो किस ईयर के आईटीआर पे डिपेंड करेगा?
लास्ट ईयर के आईटीआर पे 16-17 या 17-18 हमने बुकिंग जनवरी में कराया है तो उसको फिर वैलिड के मान लीजिए हमने 16-17 का मेरा आईटीआर 5 लाख पर लास्ट 3 इयर्स का एक्युमुलेटिव माना जाएगा. वैसे आपका मिनिमम कैलकुलेशन जो होता है वो लास्ट पे होता है लेकिन एक्युमुलेटिव 3 इयर्स के आईटीआर पर डिपेंड करता है आपका. हाँ जी लास्ट ईयर अगर इंक्रीज कर गया हाँ तो अच्छी बात है. मोर देन 6 लाख हो गया फिर हम पीएमआई के अंतर्गत नहीं आएंगे अपग्रेड सब्सिडी का बेनिफिट नहीं मिलेगा. मिलेगा लेकिन आपको देखना होगा कि 235 मिलेगा उसका. देखिए यही जो आप क्वेश्चन कर रहे हैं इसमें सारे नॉर्म्स जो हैं पीएमएवाई में डिस्क्राइब्ड हैं. ठीक है आप जो मेरे से क्वेश्चन करने के आंसर मेरे थ्रू जानना चाह रहे हैं ये आप खुद भी जान सकते हैं. मैं केवल आपके थ्रू नहीं जानना चाहता हूँ हमारे जो है उनसे भी जानना चाहता हूँ. एग्जैक्टली वो भी यही बात बोलेंगे जो मैं बता. बुकिंग हुआ था उस समय मैं क्राइटेरिया के अंदर था जी जी बट वो बुकिंग को पीएमआई के साइट पे अपलोड किया गया या कि नहीं किया गया वो क्लियरिटी ये दबाव होना चाहिए. ये मैडम आंसर करेंगे. देखिए सर आपका जो पीएमएवाई में आपका एनुअल इनकम लास्ट 3 साल का आप फाइल करेंगे और सब्सिडी आपको लास्ट ईयर के आईटीआर पे मिलेगी. आपने लास्ट ईयर के आईटीआर में अबव 6 लाख तक चले गए हैं तो आपका सब्सिडी 2,35,000 हो जाएगा. 6 लाख हो जाने पे हाँ मतलब 3 लाख तक और 6 लाख तक 2,67,000 सब्सिडी मिलेगी. 6 लाख से ऊपर 2,35,000 आपको मिलेगा और 12 लाख से ऊपर 2,30,000 मिलेगा. आपने रजिस्ट्रेशन करवाया था. बुकिंग आपका होगा जब आप बैंक से लोन कराएंगे जब हमें कंफर्म हो जाएगा कि आपको लोन मिल सकता है. उसमें बात देखिए बिफोर मार्च हम रजिस्ट्रेशन एग्रीमेंट का बात करेंगे जी 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 तो उसमें तो हम उस क्राइटेरिया में जाते अब डिले होने से हमारा क्राइटेरिया चेंज हो जाएगा. सर देखिए डिले कह दीजिए इसको या आप हम लोन तो करवा ही रहे हैं शुरू हो रहे हैं नेक्स्ट वीक से प्रोसेस भी शुरू हो रहा है बट ये मार्च का फाइनेंशियल ईयर आ गया था बीच में बैंक भी अपने ऑडिटिंग में लग गए थे इस वजह से भी डिले हो गया कि वो लोग फाइल आगे प्रोसेस नहीं कर पाए. जो भी है मिला जुला के आपका लास्ट ईयर का आईटीआर अगर अबव 6 लाख है तो आपको सब्सिडी 2,35,000 मिलेगा. सब्सिडी मिलेगा अमाउंट वेरी कर जाएगा आपकी इनकम के ऊपर. आपकी अपफ्रंट सब्सिडी का मतलब होता है जिस दिन आपका ईएमआई चालू होता है उसके उसके पहले आपको सब्सिडी मिल जाएगा उसको कहते हैं अपफ्रंट. देखिए ऐसा है कि हम जो है केनरा बैंक और एसबीआई में आप लोगों का प्रोजेक्ट अप्रूवल में लगे हुए हैं और उम्मीद है कि दोनों बैंक से आप लोगों का प्रोजेक्ट अप्रूवल हो जाएगा. आप उसके बाद फ्री हो जाएंगे किसी बैंक में मूव करने के लिए और जो एग्जैक्ट आपको हर क्वेरीज का आंसर जो मिलेगा वो जिस भी बैंक के ब्रांच में आप जाएंगे वहीं से मिलेगा कि आपको क्या क्या नॉर्म फॉलो करने हैं. अभी हम लोग सिर्फ आपको मोटा मोटी ही बता सकते हैं. बीइंग अ एडवोकेट मैं आपको सजेस्ट कर सकता हूँ कि आप इन दोनों बैंक में कहीं भी जा सकते हैं एज पर योर कन्वीनियंस. कोई बंदिश नहीं है. हमारा पर्पज सिर्फ ये है कि हम आपको ज्यादा से ज्यादा सुविधा प्रदान कर सके ताकि आपको लोन मिलने में कठिनाई ना हो पैसा मिलने में कहीं परेशानी ना हो और बुकिंग जो आपने कराया है आपको फाइनली बैंक के पैसे से अपने घर में रहने की सुविधा मिले और लीडिंग बैंक से इसीलिए हम लोग अप्रोच किए हुए हैं. फाइल को मैंने आगे बढ़ाया है. लेट अस सी आगे क्या होता है. सर एक तो क्वेश्चन था लास्ट पे बोला जाए आपसे भी या मैडम से भी अगर बाय द वे मैं एक बैंक लोन ले लिए 1 साल या 2 साल का अगर मैं रिटर्न होना चाहूँ तो कंडीशन में क्या करना होगा. नहीं समझे रिटर्न होना में क्या मतलब. मतलब हम बाय द वे से नेफ्लैट नहीं बुक करना चाहते कुछ कारण घर में प्रॉब्लम आ गया कुछ आ गया बाय द वे किस कंडीशन में. अलॉटमेंट में मेंशन होता है कैंसिलेशन प्रोसेस उसमें आपका 10% अर्नेस्ट मनी काट के आपका पैसा रिफंड होता है कहीं पे भी ऑल अराउंड इंडिया. ये बिल्डर बाय रेरा के हिसाब से अगर आप बैंक लोन होने के बाद कैंसिल कराते हैं तो 10% अर्नेस्ट मनी कंपनी रखती है और बैंक से जो आपका है प्रोसेस वो आपको बैंक का पैसा उतना चुकाना होगा. बैंक का ही प्रोसेस करना पड़ेगा. प्रोसेस सर ये है कि उस समय तक आपको बैंक ने अगर कुछ पैसा दे रखा है तो आपको वो पैसा तो देना ही होगा साथ में जितना दिन तक आपने उसका पैसा रखा है उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट तो वो चार्ज करेगी ही करेगी. कोई फ्री ऑफ कॉस्ट तो आपको बैंक भी नहीं देने जा रहा है. तो हो जाएगा ना बिल्कुल 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 एकदम वो प्रोसेस है
वो आपके लिए या इस प्रोजेक्ट के लिए बैंकिंग अपना नॉर्म्स नहीं चेंज करने जा रही है, वो आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइड कराई जा रही है। बैंक अपने पॉकेट से आपको फैसिलिटी नहीं दे रहे हैं, वो गवर्नमेंट ने आपको हक दिया है कि आपको वो फैसिलिटी दी जाए। अगर कल को गवर्नमेंट विड्रॉ कर लेती है तो बैंक ये नहीं कहेगा कि नहीं बैंक गवर्नमेंट ने विड्रॉ कर लिया फिर भी मैं दूंगा। बैंक का इसमें कहीं कोई रोल नहीं है, उसको ये ऑर्डर मिला है रेरा की तरफ से, अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट की तरफ से, कि जो भी बुकिंग कराते हैं पीएमएआई के तहत